दूसरा क्वेश्चन है कि कार्बन का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज, एक सेकेंड बना लेने दो, एंड नॉट, पूछ रहा है ना कि कार्बन का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक्सप्लेन, वो इस फॉर्म में क्यों होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला है मतलब 2.4, ये बाहर वाले का बात बोला है, ये 2, ये 4 वाले का, 2s और 2p का बात बोल रहा है कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा नहीं होता? ठीक है, क्योंकि हमने बहुत से अबाउ जब हम प्रिंसिपल पढ़ रहे थे तो हमने बहुत से केसेस देखा था कि कार्बन यहाँ से कोई भी एक किसी भी एलिमेंट में कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जंप कर जा रहा था स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ऐसा हमने बहुत से केसेस देखा था। तो वही पूछ रहा है कि जो कार्बन होता है उसके केस में ऐसा क्यों नहीं होता। ठीक है, तो देखो कार्बन के केस में आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ ये ही पॉसिबल है, ये वाला जो स्टेट है ना वो कार्बन का एक्साइटेड स्टेट कहलाता है, जो नेचुरल ग्राउंड स्टेट में कार्बन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यही वाला हमेशा करेक्ट होता है। और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन कब है? ये कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में, मतलब जब कार्बन को हीट दी गई होगी उस टाइम का ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, उस टाइम पे ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि जो कार्बन का इन ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन आटम, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ, ग्राउंड स्टेट का मतलब उस टाइम पे जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6 प्रोटॉन। और ग्राउंड स्टेट का मतलब वो किसी के साथ रिएक्शन ना किया हो, एकदम अकेला बैठा हो। ठीक है, तो इन ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन आटम जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है? 1s2, 2s2, 2p2 है। ऐसा क्यों है आपने देख लिया, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में है तो ऐसा ही होगा। और अगर बात करें इस कॉन्फ़िगरेशन की, तो यह कॉन्फ़िगरेशन कब रहेगा? जब कार्बन, व्हेन कार्बन इज इन इट्स एक्साइटेड स्टेट, जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में होगा उस टाइम का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा दिखेगा। उस टाइम क्या दिखेगा? 1s2, 2s1, 2p3। ठीक है, जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट देखो आपको मालूम है ना क्या बोलते हैं, जब मीथेन बनता है तो CH4 कैसे बनता है? कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तो चार बॉन्ड कैसे बनाएगा? ऐसे ही ना बनाएगा जब कार्बन को, एक कार्बन उस टाइम पे एक्साइटेड स्टेट में होता है। मीथेन के केस में कार्बन एक्साइटेड स्टेट में होता है तभी ना, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तभी चार हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया।